नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बीते दिन के शो में हमने कश्मीर में मारे गए 3 नागरिकों के बारे में आपको बताया था। सेना में होने वाले हर संभव बदलावों के बारे में भी बात की थी। उससे कुछ रोज़ पहले वहां पर हुए आतंकी हमले की भी बात की थी। पर यह सब बीता और एक बयान सामने आया, बयान उस आदमी का जिसने कहा कि भारतीय सेना ने उसे हिरासत में मारा और घावों पर मिर्च रगड़ दी। और इसके बाद आरोपों का पिटारा खुल गया जो बरसों से कश्मीर के बाशिंदे और भारतीय सेना एक दूसरे पर लगाते रहे। आज हम प्रमुखता से इस खबर पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कश्मीर में उग्रवाद का इतिहास और वो मौका कौन सा था जब आम कश्मीरियों की ज़िंदगी में भारतीय सेना दाखिल हुई। सेना और सरकार का कश्मीर को लेकर प्लान क्या है, वो प्लान जिसे लेकर हेडलाइन बुनी जाने लगी है आर्मी चीफ मनोज पांडे के कश्मीर दौरे के बाद। इन विषयों पर बात करेंगे, पर पहले सुर्खियों का रुख। आज हमारे देश की नौसेना को नया जंगी जहाज मिला, नाम है INS इम्फाल। आज ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया। ये वॉरशिप नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल होगा। INS इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक और 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल, इसके अलावा सर्विलांस रडार, 76 mm रैपिड माउंट गन, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। रक्षा मंत्रालय के मुंबई स्थित शिपयार्ड मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने INS इम्फाल को बनाया है। इस वॉरशिप को बंदरगाह और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। INS इम्फाल के कमीशन होने के दिन रक्षा मंत्री ने भाषण भी दिया और कहा, भारत सरकार ने MVKM प्लूटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साई बाबा पर हमले को गंभीरता से लिया है। सुनिए। INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह का प्रताप INS इम्फाल में शामिल है जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से INS इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। अगली सुर्खी बंगाल से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बंगाल पहुंचे। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की और कुछ ही देर में ऐलान हुआ भाजपा की बंगाल से जुड़ी नई चुनावी प्रबंधन समिति का, जिसमें 10 सदस्य और 5 महासचिव होंगे। कौन है इसमें अहम नाम? खुद गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, बंगाल के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, अमिताभ चक्रवर्ती, ये सब वहाँ की पॉलिटिक्स में बड़े नाम हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बिहार के नेता मंगल पांडे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। महासचिवों में लॉकेट चटर्जी, अग्निपित्र पॉल आदि हैं। दीपक वर्मन का नाम भी इस सूची में शामिल है। अगली सुर्खी राम मंदिर से जुड़ी हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और आज सुबह से ही इस पर बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। किसने क्या बयान दिए? सबसे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। इसके बाद आया संभल से सांसद और एक और सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क का बयान कि हमारी मस्जिद पर ताकत के जरिए उन्होंने कब्जा कर लिया। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद छीनी गई वो वापस दे दी जाए। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। मंदिर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया और अब हमसे उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया और ठीक है वो कर रहे हैं।
अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बारी। सीपीआई ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना किया और कहा कि आस्था का सम्मान, पर ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। नहीं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं जो धार्मिक भावनाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी आरएसएस इस धार्मिक इवेंट को पूरे तौर पर पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं और राजनीति और धर्म को इस प्रकार सिर्फ मिलाने का सवाल नहीं है, लेकिन धर्म को एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, वो हमारी समझ में सही नहीं है। इस विरोध पर भाजपा के नेताओं ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में ना उसे रोक सकता है। जो इस प्रकार की कोशिश करते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब इससे बड़ी चोट क्या होगी, जो कभी देश में राज करते थे आज विपक्ष के लायक नहीं है, जो कभी प्रदेश में राज करते थे आज उनको प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह की बकवास बहादुरी या बयान बहादुरी सुनने के बाद एक बात तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश दे करके, आशीर्वाद दे करके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो 600 साल और भगवान राम टेंट में कैद रहते हैं। और इस तरह के जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कवच बने रहते ये लोग। लेकिन आज क्योंकि उन एक मजबूत निर्णायक नेतृत्व ने आज भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, तो वो लोग जो लोग कि अभी तक जो है वो इस क्रिमिनल करतूत के, कम्युनल करतूत के, क्रूर करतूत के सुरक्षा कवच बने हुए थे, उनमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। अब बारी बड़ी खबर की। 52 साल के अशरफ भारतीय सेना की हिरासत में थे। 21 दिसंबर को भारतीय सेना की एक टुकड़ी के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया, सेना के 4 जवान शहीद हुए। ये घटना कैसे हुई, हमला प्लान कैसे हुआ और आतंकी आजकल कश्मीर के किन इलाकों में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, इसकी जानकारी हमने आपको 22 दिसंबर के ललन टॉप शो में विस्तार से दी थी। आपकी सुविधा के लिए उस शो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब 4 जवानों की शहादत की जांच और पूछताछ के लिए भारतीय सेना ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। 2 दिन बाद इनमें से 3 की मौत रजौरी के डेरा की गली मौजूद आर्मी कैंप में हुई। मृतक कौन, सफ़ीर अहमद और उनके 2 रिश्तेदार मोहम्मद शौकत और शबीर अहमद। इनकी मौत की खबर इनके घर वालों को आर्मी कैंप से फ़ोन पर दी गई। जो लोग पूछताछ के लिए कुछ ही घंटों पहले आर्मी कैंप ले जाए गए थे वो लाश में बदल चुके थे। आर्मी पर कस्टोडियल मर्डर यानी हिरासत में हत्या का आरोप लगा। मौत की खबर सामने आने के साथ ही सेना ने मामले की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया और ये तो सेना की कार्रवाई की बात हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनके दफ्तर से क्या आदेश आया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। हमने अभी आपको बताया हिरासत में 8 लिए गए थे, 3 की मौत हुई, बचे 5 लोगों में शामिल थे अशरफ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में अशरफ ने अपना हाल बयां किया कि वीडियो में मैं ही दिख रहा हूं। उन्होंने कपड़े उतार दिए, लाठियों और लोहे की छड़ों से मारा, घाव पर मिर्च का पाउडर तब तक रगड़ते रहे, अब मैं सो नहीं पाता, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, नींद कैसे आ सकती है, जब भी आँख बंद करता हूँ तो टॉर्चर का सीन दिमाग में छा जाता है। अशरफ को कथित तौर पर इंडियन आर्मी ने टॉर्चर किया। वो जम्मू कश्मीर बिजली विभाग में लाइनमैन की नौकरी करते हैं, हर महीने मिलते हैं 9,330 रुपए। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शर्मा से बात के दौरान अशरफ ने बताया उसे 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन सुबह 9:30 बजे हिरासत में लिया गया, डेरा की गली आर्मी कैंप ले जाया गया। उसने आर्मी पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि कैंप में जाने के बाद ही उन्हें बिना कारण बताए मारना शुरू किया गया। आर्मी में हिरासत में ले जाने के पहले मोहम्मद अशरफ का पता रजौरी का हसबतोले गांव हुआ करता था, अब भी वो रजौरी के जिला अस्पताल में मिलते हैं। इस अस्पताल में मोहम्मद अशरफ के अलावा वो 4 लोग भी भर्ती जिन्हें मोहम्मद के साथ हिरासत में लिया गया। इनके नाम फारूक अहमद 45 साल उम्र, फजल हुसैन 50 साल, मोहम्मद बेताब 25 साल। इसके अलावा एक नाबालिग भी है 15 साल का। चोट का एक पहलू 15 साल का बच्चा भी उजागर करता है, जिसने भी कथित तौर पर आर्मी की पूछताछ का सामना किया। वो 10वीं का स्टूडेंट है और उसने क्या कहा, मेरे घर पर अटैक के लगभग 8 दिनों पहले दावत थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने आतंकियों को खाना खिलाया। मैंने उनसे कहा जो दावत थी वो मेरे भाई मोहम्मद बेताब की शादी के जश्न में दी गई थी, उसके बाद वो मुझे मारने लगे। ये बच्चा अपने जिस भाई मोहम्मद बेताब का हाल बयां कर रहा है वो भी इसी अस्पताल में भर्ती है। उसने मीडिया वालों से अपना हाल बयां किया।
कहा कि मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से से चमड़ी ही गायब है। ये सारे इल्ज़ाम भारतीय सेना पर लगाए जा रहे थे। इल्ज़ाम की सेना ने लोगों को हिरासत में टॉर्चर किया और इतना मारा कि कुछ की मौत हो गई। फिर कुछ एक्शन की कहानी सामने आई। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। एक इंचार्ज ब्रिगेडियर का दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दिया गया और पुलिस ने अज्ञात सैन्यकर्मियों के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या का केस भी दर्ज किया। इन्हें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी 25 दिसंबर की रात फिर पुंछ पहुंचे। सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का रिव्यू किया और कमांडरों को बहुत ही पेशेवर ढंग से प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ पेश आने की नसीहत दी। नागरिकों की मौत और टॉर्चर के इल्ज़ामों के बीच आर्मी चीफ के पेशेवर ढंग से पेश आने की हिदायत को अंडरलाइन करके इसीलिए पढ़ा गया। पर इन सारी खबरों के बीच कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगे पुराने आरोपों के घाव भी हरे हो गए। दरअसल कश्मीर में फौज की मौजूदगी साल 1948 से ही है। आज़ादी और देश के बंटवारे के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने पहले लश्कर लड़ाकों और फिर अपनी फौज की मदद से हम पर हमला किया। मकसद कश्मीर पर कब्जा। भारतीय फौज ने जवाब दिया और तब से लेकर अब तक भारतीय सेना कश्मीर में मौजूद है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस पहले आधिकारिक युद्ध से यह साफ हो गया कि कश्मीर को लेकर दोनों देशों का जो सीमा विवाद है वो आगे चलकर आतंकवाद और घुसपैठ की जड़ में तब्दील हो जाएगा और इसमें बड़ी भूमिका निभाई राजनीति ने। साल 1987 जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लड़ रहे थे। इसी चुनाव में उनके खिलाफ जमात इस्लामी और घाटी में मौजूद तमाम इस्लामिक पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस तैयार किया था जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF। चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने मिलकर 66 सीटें जीती और MUF को 4 सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला CM बन गए। MUF ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर। जिन इलाकों में MUF का वोटर बेस था वहां विरोध प्रदर्शन इसके बाद शुरू हुआ। खबरें बताती हैं कि MUF से जुड़े लोग पाकिस्तान के नज़दीक गए, उन्हें हथियार, पैसे और ट्रेनिंग मिली। साल 1989 आते आते अधिकारियों की हत्याएं शुरू हुई, राज्य में बॉर्डर पार से घुसपैठ बढ़ गया, उग्रवादी हर जगह एक्टिव हो गए, अलगाववादी नेता भी जमीन पकड़ने लगे, आज़ाद कश्मीर की मांग उठने लगी। भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी BSF और CRPF का बड़ा जत्था इस साल घाटी में तैनात किया। साल 1990 आया, फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, राज्य में राज्यपाल का शासन आया और सितंबर 1990 में भारत सरकार ने राज्य में आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्सपा भी लागू किया जिसके तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट तलाशी लेने, अरेस्ट करने, पूछताछ करने और एक्शन लेने का हक हासिल हुआ। आर्मी की मौजूदगी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाने लगा। फिर कश्मीर में सुरक्षा बलों का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे आज भी उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण की प्रैक्टिस की तरह देखा जाता है। और स्थिति क्या थी वहां मौजूद लोगों से सुनिए। 2019 जब अनुच्छेद 370 हटा था उसके बाद NDA सरकार या हम मोदी सरकार कहे, उन्होंने कश्मीर की स्थिति और आतंकवाद से निपटने के लिए न सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में काफी तेजी लाई और किसी हद तक आतंकवाद को काबू करने में सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कामयाबी रहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो आतंकी संगठन हैं या हम कहें कि पाकिस्तान, तो उन्होंने रणनीति जो है आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से 2019 के बाद बदल दी। पहले जो दशकों से यहाँ पर आतंकी संगठन सक्रिय थे, चाहे स्थानीय संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, ऐसे कई सारे संगठन थे जो आतंकी कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर में अंजाम दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एक नए सिरे से और नए नामों से जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें अंजाम देनी शुरू कर दी। और इस पूरी तैनाती की एक बड़ी वजह यह भी थी कि हथियारबंद मुहिम के बाद उग्रवादी कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इन सब के बीच केंद्र सरकार लगातार कोशिश करती रही कि राज्य में नॉर्मलसी लौटे और उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस लौटे। इन सब के बीच सुरक्षा बलों को लगातार एक्शन लेना पड़ा क्योंकि उग्रवादी देश के भीतर के और आतंकवादी जो आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से वो लगातार सक्रिय थे। इन सारे आतंकी अध्यायों के खात्मे की जिम्मेदारी थी भारतीय सेना और सशस्त्र बलों पर। उधर पाकिस्तान में उनकी खुफिया एजेंसी और आतंकवादी संगठन और फौज लगातार रिक्रूटमेंट कर रहे थे कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए। एक सिंपैथी और प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा था। इन सब के बीच जनता को बरगलाया गया और सेना और जनता के बीच शुरू हुआ
संघर्ष। साल 2019 तक लगभग रोज होने वाली पत्थरबाजी से लेकर हर महीने होने वाली हत्याएं, बम धमाके इन संघर्षों के कुछ अध्याय थे। सुरक्षा बल भी अफवाह के आलोक में काम कर रहे थे, परतने की कोशिश जारी थी, पर उन पर भी कस्टोडियल मर्डर के बीच बीच में आरोप लगे। पूछताछ और जांच के दौरान हिंसा के भी आरोपों की फेहरिस्त सामूहिक बलात्कार तक भी गई। घाटी के लोग 23 फरवरी 1991 की उस रात का उल्लेख करते हैं जब कॉर्डन एंड सर्च यानी घेर कर तलाशी करने के दौरान कुपवाड़ा के कुरान और पोशपोरा गांव में 30 महिलाओं का बलात्कार हुआ। आरोप लगाए गए भारतीय सैनिकों की एक सर्च पार्टी पर। सेना पर लगातार आरोप लगते रहे, कई में इंक्वायरी हुई, कई में सजा भी हुई। साल 2017 का एक केस लेते हैं। बडगाम में एक फारूक अहमद डार नाम के बुनकर को भारतीय सेना के तत्कालीन मेजर लितुल गोगोई ने जीप के आगे बांधकर घुमाया। आरोप लगाया कि फारूक अहमद डार पत्थरबाजों को उकसा रहा था, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए उसे मानव शील्ड बनाकर काम किया गया। बाद में स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में फारूक अहमद डार पर लगाए आरोप झूठे पाए गए और आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद मेजर लितुल गोगोई पर आरोप तय हुए। लेकिन साल 2018 में एक और आरोप लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में हिरासत में लिया जब वो होटल में कश्मीरी युवती के साथ जबरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे और होटल कर्मचारियों के साथ झगड़ा हुआ। कश्मीरी महिला ने आरोप लगाया कि मेजर लितुल गोगोई ने उबैद अरमान के फेक नाम से उनसे दोस्ती की और उनके साथ नज़दीकी बढ़ाई। उनके खिलाफ इस केस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई और फिर कोर्ट मार्शल भी। अब वापस आते हैं आज पर मौजूदा घटनाओं पर। आर्मी पर फिर से टॉर्चर और हिरासत में हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति आती क्यों है? क्या सुरक्षा बल ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए अधीर हो रहे हैं? क्या सिचुएशन बहुत होस्टाइल है? पूछताछ और कार्रवाई के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कितना जायज़ है जो उनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, उनके काम, आर्मी की छवि, जो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन सब पर क्वेश्चन मार्क और देश पर क्वेश्चन मार्क लगाए। वहाँ पर सूचना इकट्ठा करना, इंटेलिजेंस जुटाना, इन सभी तरीकों का अब क्या हाल है, सुनिए एक्सपर्ट से। हम एक ऐसे दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं जिसको कोई मतलब नहीं किसी तरह की मॉरल या एथिकल चीजों के साथ। ये सबको पता है कि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट के साथ हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी उसके पीछे है। क्या कौन कोई संस्था है उनका नाम वो बार बार बदलते रहते हैं क्योंकि उनको फंडिंग की प्रॉब्लम होती है या वो वैसे किसी और कारण से बदलते हैं। वहां की टेरेन जो है वो ऐसी है, इतनी मुश्किल टेरेन है, इतना जंगल और पहाड़ी इलाका ऐसा है, जो वहां पर जाए देखिए ये इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। इसको समझाना जो है किसी को भी बहुत मुश्किल है, पर अगर आप उसको इमेजिन करें तो उबड़ खाबड़ ऐसी जगह पर, इतने पहाड़ी इलाका जहां पर कोई डिटरमिंड जो एनिमी है, दुश्मन है, उसका घात लगाना या एम्बुश लगाना बहुत आसान है। हर इंच के ऊपर हम बिल्कुल डिफेंस नहीं रख सकते, इंच इंच के ऊपर एक सोल्जर नहीं हो सकता। तो अगर कोई पहले आके ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां से वो एम्बुश लगा के हमला करना चाहे या कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस को दूर से बैठ के वो करना चाहे तो ये पॉसिबल है। पहले तो ये बात समझे, ये जरूरी नहीं कि क्योंकि कोई हमारी तरफ से कमी है या हमारी प्रेपरेशन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। और दूसरी चीज समझने वाली ये है कि टेक्नोलॉजी आज के जमाने में इतनी एडवांस हो गई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि कहीं बैठे कुछ भी करना जो है वो संभव है। तो ये आपकी बात ठीक है कि वहां के जो टेरेन है वो इतनी मुश्किल है और आज सर्दी में, बारिश में और इस तरह की टेरेन के अंदर जो बहुत डिफिकल्ट है फॉर ए डिफेंडर, और किसी ने जिसने कोई इस तरह का काम करना है उसके लिए ये करना आसान होता है। हमेशा एक दो आदमी छुप के घात लगा के कोई ऐसी बात कर सकते हैं, पर डिफेंडर के लिए ये हालात जो है ऐसे ये मुश्किल होते हैं। जो नॉर्मल फिजिकल पेट्रोलिंग होती है वो एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग जो है वो पेट्रोल भेज के जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेनी, दूसरे आजकल के युग में ऐसी ऐसी एडवांस इंफॉर्मेशन चाहे वो ड्रोन की उससे लिया जाए या कोई ऐसे वेपन सिस्टम है जो उनको एम्प्लॉय किया जाए विद इन अवर बॉर्डर। ड्रोन जो है आपको पता ही है कि अनपायलटेड वेपन सिस्टम होता है जो अनमैन्ड, तो उसके जरिए भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। हमारी जो बॉर्डर के अंदर फ्लाई करते हैं जो एयरक्राफ्ट रैकी के लिए, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फिर कई एजेंसियां हैं
चाहे वो आईबी हो, चाहे रा हो या दूसरी एजेंसीज हो, और बीएसएफ जो है वो तो लिसनिंग पोस्ट है ही, हमारे आईज एंड ईयर्स वो भी काम करते हैं। सो इसको कोलेट करके, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, उसमें से बेसिक इंटेलिजेंस ड्रा करके फिर एग्जीक्यूट करना या एक्शन लेना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम, पर यही तरीका है कि जिससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। अब बात फौज पर लगते आरोपों की, सुरक्षा बलों पर किस तरह की और कितने आरोप लगते हैं, उनका परिमाण क्या है? ये एंटी टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये एक हाइब्रिड लड़ाई की हालत होती है जिसके अंदर आर्मी इन्वॉल्व होती है, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ये ऑपरेशंस हम करते हैं। कभी कभी इनके अंदर, इन ऑपरेशन में ज्यादातर तो आर्मी को ज्यादा सक्सेस ही मिलती है, मगर कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिसके वजह से अपनी भी कैजुअलिटीज हो जाती है। जब ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो कभी कभी लोअर लेवल पे, सब टैक्टिकल लेवल पे, कुछ लोग, कुछ सिपाही, कुछ बहुत जूनियर ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जिस हालत में वो समझते हैं कि जल्द से जल्द जो उन पे चोट पहुंची है, जो उन्होंने खोया है, उसको वो दोबारा पा सकते हैं वापस, अपनी यूनिट का रेपुटेशन है उस इलाके में नॉर्मलसी दोबारा लाने के लिए, इन तरह की कार्रवाइयों के अंदर वो शामिल होते हैं और समझते हैं कि वो आमतौर पे जल्द से जल्द इस तरीके से वो स्थिति को सुधार देंगे। मगर आमतौर पे इस तरह से गलती पे गलती होती रहती है और देखा गया है, पहले भी तजुर्बे से देखा गया है कि इस तरह के एक्शन से आर्मी के ऊपर नुकसान पहुंचता है, हमारे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेपुटेशन के ऊपर नुकसान ही पहुंचता है और कुछ नहीं। अब ये जो अभी हालत आई है, स्थिति जो आई है, इसमें ये एलिगेशन है कि आर्मी के कुछ जवानों ने, अफसरों ने जो है कुछ लोगों को पिकअप करके उनको जो है थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल करके और मारा है, ये इंक्वायरी इसके ऊपर हो रही है। इंक्वायरी जब तक पूरी नहीं होती तब तक तो हम इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि आर्मी का तजुर्बा बहुत है और वो इस तरह के हालत को डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेती है और किसी भी हालत में इनको, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका जो असर, नेगेटिव असर हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने की वो कोशिश करेगी। आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री भी वहां जा रहे हैं, कल वहां पर सेना अध्यक्ष भी वहां पर थे, कुछ लोगों को कमांड से हटाया गया है, एक नए कोर कमांडर साहब भी वहां पर अपॉइंट हो चुके हैं। तो आर्मी ने अपने तरफ से जो ऊंचे के लेवल पे होता है वो सब कार्रवाइयां ऑलरेडी अपना ली, अब सब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है, इसका नतीजा देखा जाए। जब ऐसे आरोप लगते हैं तो आर्मी एक्शन क्या लेती है और ऐसे आरोपों से निपटने की एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? जब हिंसाग्रस्त इलाकों में आर्मी के टॉप कमांड पर हिंसा के आरोप लगते हैं तब निपटने की गति और दिशा क्या है, ये भी जानते हैं। एक तो याद रखिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के नीचे के अंदर एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, सब जितने वहां पर यूनिफॉर्म में सर्व कर रहे हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये प्रोटेक्शन का मतलब नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये गलत फहमी है पब्लिक में, और भारत के दुश्मन, फौज के दुश्मन इसको बहुत उछालने की कोशिश करते हैं कि भारत ने एक बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है अपनी फौज को कंप्लीट, ऐसे कोई बात नहीं। लोकल प्रोसिक्यूशन, जो लोकल प्रोसिक्यूशन है उससे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि अगर आपने किसी आर्मी ऑफिसर या जवान को जो ड्यूटी पर अपनी कार्रवाई करता है और कोई गलत चीज होती है तो वो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से ही परमिशन, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक बनाई गई, ये लॉ बनाया गया है ताकि फौज जो है वो हर वाक्य में किसी तरीके से प्रोसिक्यूशन के अंदर ना फंसती रहे लोकल कंडीशन। जाहिर है सभी पक्षों के पास अपने वजह और बहाने हैं, लेकिन सिविलियन और आर्मी दोनों ही
कश्मीर समस्या का समाधान चाहते हैं, आर्मी चीफ खुद दौरा कर रहे हैं, सुरक्षा स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, तो क्या कश्मीर में आर्मी कोई बड़ा एक्शन प्लान कर रही है? अगर हाँ तो उसकी दिशा क्या हो सकती है? देखिए, आर्मी के प्लान को तो रिवील नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टेररिस्ट जो पूरा राजौरी और पुंछ का इलाका है, यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो जंगल है यहाँ पर करीब 15-20 जो है वो विदेशी आतंकी होने की मौजूदगी मिल रही है, ऐसा जो खुफिया सूत्र है उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इसके लिए आर्मी एक विशेष तरीके का प्लान चला रही है। और पिछले कई दिनों से आपने देखा कि जंगल के इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन इस लिहाज से किए जा रहे हैं कि जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, ये करीब 12 किलोमीटर का जो पूरा रेंज है, ये जंगली इलाका है, काफी घने जंगल यहाँ पर हैं और यहाँ पर ऑपरेशन करना काफी कठिन होता है। इस वजह से सेना को सफलता भी कम मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से सेना अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, वैसे में बड़ी सफलता जल्द ही मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये केसरी हिल्स का जो इलाका है, यहाँ पर ये कहते हैं कि कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जहां पर आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ करने के बाद इन जंगलों में जो बने हुए प्राकृतिक गुफाएं हैं वहां पर छिप जाते हैं और इन प्राकृतिक गुफाओं तक इन आतंकियों के पास जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो इनके पास रसद सामग्री पहुंचाते हैं, जिससे ये काफी काफी दिनों तक वहां पर मौजूद रहते हैं और जो सेना के लिए और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस वक्त काफी सरदर्द बना हुआ है। तो इस वक्त जरूरत सबसे बड़ी ये है कि सेना इन जो प्राकृतिक गुफाओं में आतंकी मौजूद हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करे और इसके लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र भी कुछ दिन पहले चलाया गया था, उसमें काफी सफलता भी मिली थी और हाल ही में आपने देखा कि अखनूर सेक्टर में जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया जिसको कि उसके साथी उठा करके लेकर के भागते हुए नजर आए, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। तो आतंकियों के हौसले इस वक्त काफी पस्त हैं, सुरक्षा एजेंसियां इनके ऊपर अपर हैंड है, लेकिन चोरी छिपे आतंकी इस वक्त जो लॉन्च पैड से घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ करने के बाद छिप करके घात लगा करके जो सेना के ऊपर निशाना बना रहे हैं, ये काफी चैलेंजिंग है और सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी प्लान तैयार कर रही हैं कि आखिर इन लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनको हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो किस तरीके से इनके लिए काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के अलग से स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इन आतंकवादियों का खात्मा, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या फिर जो जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल का इलाका हो, इस इलाके में दिखाई पड़ेगा। इन सभी चीजों को लेकर कश्मीर बयानबाजियां भी होने लगी। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से वार्ता जरूरी, और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्हें उनके विरोधियों ने भी जवाब दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, विवादास्पद बयान दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों या दुनिया भर के मुल्कों दोस्ताना ताल्लुकात हमेशा हमने बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो पाकिस्तान के लाहौर में बस में बैठ के गए थे। मोदी साहब ने 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन नवाब शरीफ साहब को यहां बुलाया था। भारत ने तो हमेशा दोस्ती की पहल की, दोस्ती के कदम बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा पीठ पर खंजर घोंपा, धोखा दिया, गद्दारी की, ये सारी दुनिया जानती है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। उम्मीद है इन समस्याओं का हल जल्द सामने आएगा, देश के हर एक नागरिक की जान महफूज रहेगी और हर एक अपराधी खौफ में रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।